है भैया? क्या है? बात यह है कि आपकी माता जी हैं, वो आपको बुला रही हैं। माँ बुला रही हैं? हाँ हाँ। चलो भैया आओ आओ आओ। ये जी को प्रणाम स्वीकार हो। कहो माँ। ये सब तेरे ही बदौलत हो रहा है। क्या माँ, मैंने क्या गुनाह किया है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? सुनो बता रही हूँ। क्या करती है। क्या मैंने कुछ कहा है क्या है आपको? मैंने तो आपको कुछ कहा नहीं। नहीं।
तेरी माँ यह है नागिन कोई रे तू है बच्चा। माँ यह है नागन कोई और किस लिए बैठ पे झुलम ढाती है तो के मार कोड़ों के चमड़ी और उड़ा दूंगा मैं कांसी ऐसी बेटी गई बेटी में और किसके कहने से तूने मेरी बेटी पे हाथ उठाया तूने? ओ अम्मा बोल। ए अम्मा आ चली नानी खिया नानी के बोकरा चढ़त है ओ अम्मा अब ये बाप्पा के नहीं रहे गया है। ए रिक्शा वाले रुक जा तू ही सवारी है तू सवारी ठीक कहते हो बेटा चल अम्मा चल 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 अब एक बाप्पा के नहीं रहेगा कि चल नहीं आज ये बुढ़ाऊना पता नहीं कहाँ का घी खा के आज उठा पा रहा है। तो ए अम्मा चल चले चल एक ही बाप्पा की बाही ठीक है मैं भी देखता हूँ कैसे तू जाती यहाँ से। मेरी इस घर में कोई कदर ही नहीं मेरी कोई इज्जत नहीं तेरी। ठीक है पापा चल चल नहीं मैं पापा को भुला जाऊंगा। चलिए कि यही तान ठाड़े ठाड़े मरवाई है जा लेकिन चुरा के भाग जा। कहाँ जाएगा बे? हम चाहे फतेहपुर में ईटा गारा करी ए अम्मा हम तुम चली कानपुर वहाँ क्या करोगे? तो रहीस तो रहीस मूलगंज में अम्मा रंजन मान ले एक का बोला थे रामा देवी माँ ठीक है तो अपन हुआ बिजनेस करा करिस मही बिजनेस करा महाराज बोले ठीक है आज के बाद मैं यहां सकला नहीं दिखाऊंगी जा रही हूं अपने मायके। कहाँ नहीं कराऊंगी।
मैं कहा तो चल चल नहीं, अगर शरीर का कौनो एको अंग भंग हो गया ना तो खटिया में परे परे हगी है। महारानी जी कान खोल करके सुन लो, आज के बाद तूने अगर मेरी बेटी को कुछ कहा, जरा सी गलती की तो मैं तेरी फूल से। बस करो नहीं दो चार साल का महू पार के वहां बुढ़ा होता है। बेटी पिताजी आओ। फूल सिंह तो तत्काल बुलाया जाए। दरबारी भैया राजकुमार फूल सिंह आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। पिताजी। बेटा आदेश। ये तुम्हारी माँ नहीं पर की एक नागिन है, और तुम लोग आज के बाद अपनी बहन का ख्याल तुम खुद रखोगे खाने पीने के लिए। ठीक है पिताजी, ऐसी बात है, आज के बाद मैं मेरी बहन का ख्याल खुद ही रखूंगा। जाओ इसे महल ले जाओ। ठीक है पिताजी। जाओ बेटी। ठीक है पिताजी। माल पानी। ये बोल। जी महाराज। जब मेरी बेटी पे जुल्म हो रहा था तो तूने मुझे आवाज नहीं दे सका। महाराज मैं आवाज लगाता था लेकिन क्या बताऊं, राजमाता मुझे भी मारती। अच्छा। मारने को धमकी देती थी तो इसलिए। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, और थोड़ी देर के बाद आऊंगा। ठीक है। हेलो हेलो। अरे जब से गांव अनमा चल गए टीवी वीसीआर हो, पतोहिया का दादा राखे लौंडा हमार हो, पतोहिया का दादा राखे। भैया की जय जयकार हो। कैसे हो भैया? हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ एक ही बात की दिक्कत है कि आपके राज्य में घोर सिंह। तुमका का पता है, है? त्योहार तो बहुत ही सहकुशल से पूर्ण हो चुका है, है? तुम्हारे खोपारी में खिचड़ी पाके हो, तुम्हें भूखन रहो। खिचड़ी और भूखे रहना नहीं समझे? क्या तुम पहेलियां बुझा रहे हो? सिंह पहेलियां नहीं यार, तुम्हार बप्पा मालूम है आज तुम्हारे अम्मा के साथ का किहिन, तो भरे रात दरबार मा कौन तान खेदे रहे जैसे लील गाय का सांड खेदे रहे। सिंह हाँ, थोड़ा जुबान को काबू में रख के बात करिए, किसके सामने तुम बोल रहे हो? राजकुमार जी कहे वाली बात मैं तो नौकरी नहीं, अचार आदमी जब तुम कहू कहे तब तुम्हारे समझ में आए, जौन तान मारत रहे आए बाप। आखिर हमारी गैर मौजूदगी के पास हाँ। मैं तो वहां थाने दरबार में चला गया था। तुम कहाँ रहे? तुम उसके बाद क्या हुआ? वही के बाद मा देखो दरबार लगाए तुम जब चले गए। हाँ हाँ यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हार पिताजी हाँ फूल सिंह से कहा बेटा कौनो लड़का ख्वाजो रेखा के बारे, अगर कौनो लड़का मिल जाए तो वही के साथ शादी कर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं तो कल बहन की शादी होना ही है। आओ तो सुनी हो कहा जाऊ के साथ शादी कर ले, वही का आधे राज का मालिक बना। जुबान को काबू में रखो। हम काबू में कहे हैं लेकिन तुम्हार पितेन जी कहा है? अब वही के बाद मा वही मैं तुम्हार अम्मा तय के वह अंधारिया का भाला बुला कही कह दी है, वही मैं महाराज जी आ गए तुम्हारे अम्मा का जैसे सिरबंदी कूटत रहे। लगता है पिताजी की खोपड़ी और दिमाग दोनों साथ साथ में डैमेज हो चुके हैं। मैं का लागा तो उनके खोपड़ी में वायरस घुस गए। तुम ठीक कहते हो हरक सिंह, अरे मानते हैं वो हमारी बहन है, दहेज में जितना देना दे हमें कोई एतराज नहीं है, सही है। लेकिन जब उनके दो दो औलादे मौजूद हैं तो बहन का जर जमीन में कोई अधिकार नहीं है। धन दौलत दहेज जितना भी देना चाहे वाजिब है, दे सकते, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे कि हमारे घर और हमारे अचल संपत्ति में अधिकार करे
तो ऐसा कौशल सिंह होने नहीं देगा। भोई के बिन होए ना देहो कि होए वाला है, कुछ नहीं होगा। वो बुढ़ा सठिया गया है। सठिया गया, लेकिन अब तुम माइकल लागत तुम महाराज जी के लड़के न हो। अड़क सिंह माइकल लागत तुम्हारा अम्मा तुमका दहेज मलाई के। जूता मारूंगा सारे औरत तक गंजी पैदा होगी। अच्छा ये बताओ, उनके बारे तो आधा राज अंधारी का दाई दिए, आधा राज वही का दाई दिए फूल सिंह का, और तुमका का दी है। यही इतना कपड़ा पहना के कहो कहीं घूम मोटरसाइकिल लेके बस। माइका मारे से का पहियो का गुस्सा खत्म हो जाए। सनई ऐसी खबर तुमने सुनाया, पूरा सारा दिमाग हिल गया हमारा। मैं खुद हिला पा रहा हूँ, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं हिला। एक काम करोगे तुम का? औलाद कभी खराब नहीं होती है। हाँ, माँ बाप की परवरिश में और उनके रहन सहन में कमियां होती हैं, तभी औलादें बिगड़ती हैं। ये बात तो खैर है, क्योंकि औलाद को मिट्टी का कच्चा ढेला है कि पिघला करके जिस सांचे में उसे ढाल दोगे उसी सांचे में वो ढल जाएगा। आपका माँ बाप जब आपसी मतभेद कराते हैं औलादों के बीच, तभी परिवार में क्लेश पैदा होता है। मालिक की बात, और इसका बीज हमारे पिताजी ने बो दिया है। कोई गा है, अपने अखर जाओ, जाओ हमारे लिए शराब का प्रबंध करो सबसे पहले। आई ना मर्द वाली बात, जो कभी भी समाज सिंह राजधानी में नहीं हुआ है वो आज से इस रियासत में होगा। ठीक, मैं बहन जा। जाओ शराब और सिगरेट की पैकेट फौरन हमारे सामने पेश। अरे चखना तक लाइके हैं। अब जात हो जा छंगू पासी के घरे, वह बनाए हो। अब बहन कच्ची वाली लाता हूँ, इतनी रात में कहाँ ठेका वाली मिली। अरे छंगू भैया, कौन आवे आधी रात के आके मरा लाग। जब तो सारे आधी रात में बना सकते तो मैं आ नहीं सकते। अबे दारू ये आधी रात के नहीं, 8 बजे के बाद नहीं मिलती है। ज्यादा ठेका का पालन न कर, नहीं लेके पुलिस वाले आगे तो सारे कनेक्टर तक फुरा डालेंगे। ठीक है, चुप्पे से आ जा और लेकर चा ला। हाँ, एक बोतल दे मही का। ये बताओ, हाँ देसी वाली चाहिए? हाँ नहीं, अंग्रेजी तो बनाते हैं ना सारे। अरे भैया हम ताली की भी रखते हैं ना, ताली। देख हमका मऊहा वाली चाहिए, चाहे पतोही वाली दे दे। ठीक है, मऊहा वाली मिल जाएगी। हाँ 180 रुपए बोतल है। एक पौआ कितने का पड़ी बे? पौआ? हाँ भैया पौआ 200 का। देख बोतल 180 की, पौआ 200 का। यही से कहते रहे सारे पहले। चल अच्छा ला एक बोतल दे ला। ससु कौन अपने बाप को रुक गया है? ले ला दे, ला बे पैसा दे, पैसे दे। अब पैसा मांगे तो सारा ये दारू लेके चले जा हुसैनगंज थाने, कह दे अब ये छंगुआ दारू बनावत है और एक गाड़ी फोर्स लेके अब तुम्हारा नट्टर का नट्टर मऊहा तक सरव लदा ले जा। अगर साले दोबारा आ गए ना, हाँ तो सामान लेना साले छौना चराने वाले डंडा से मारूंगा। अरे जौन हो देखा जाए, अब ये दारू लेकर के चलता हूँ लंबारी के बाद। जा चला जा। माले भड़क सिंह, हाँ कहाँ से ले आया अभी? मऊहा वाली। ओह मऊहा की मिले? हाँ। सिगरेट की पैकेट कहाँ है? सिगरेट भी हम मंगाए थे। अरे टेंशन काहे ले, सब कुछ मिल जाए, पहले एका तो यूज करो। ऐसा करो, हाँ थोड़ा चेक करो कैसी है। मैं ही का ना पियाओ। क्यों? मोरे चढ़ बहुत जल्दी जा। ऐसा नहीं है, तुम पियो इसको। नहीं यार उल्टा सीन। हमने क्या कहा? ठीक अच्छा ठीक। देखो इनकी राजनीति, अगर यही मसा दही खदही मिलाए होए तो मरे तो सा गरीबवा मरे, लेकिन हम हूँ कम परम नहीं नहीं। हम पहले अपने देव देव। क्या कुछ कह रहे हो क्या तुम? कुछ नहीं, पियो पियो। अगर यही में कुछ मिलाए होए तो पहले अपने देव देवतन का दही दे, पहले देव देवता टेंगा ना होए बाद में हम ले। बोकरी की पूंछ तरे रहे वाली चपटी ले तो हूँ ले ले।
देख काउंटान गिदगिदान नाना झांकत है ले। हाँ दारू आज मैं तोरे ऊपर हूँ उतारू। अबे भैया सबका दी है एक देवता छोड़गा कहीं का कुकरे के अंडा के तरे वाला चपटा फूफा वही रहेगा है वही का हिंसा है ना कारची का पिया तुझे भैया याद है कहे से शाम के मालूम है उदल का काम के है। हाँ पी भैया नशा चढ़ जाना तो बोतलिया मोरी का ही थम्भा दी है तो इका टट्टी जाए का होई। अबे टट्टी नहीं जाना कुल्ला करे का पानी नहीं ना यही मसे करो कौन अपने बाप का रुपया ला। बड़ी झिझका थिया पिए में कैसी लागत थी। अबे तो सारे पीबो नहीं भाव पहले स्वाद पूछ ली तो गई है बे। अरे साले नहीं सूट होता तो क्यों पीता है ये तो गला चीरे डावा थी गला नहीं साले पनारा फारे डावा। है कौन गुंडा अब आवे मोरे सामने रक सिंह अबे आबे अबा रकसवा लड़ ले आया आ आ सारिया हड़क सिंह चौबे अभी हम बोल रहे हैं हम चौबे अब धाम कल से आपन पड़वा बेची है बे बोल कितने पैसा ले अबे तुझे मालूम है किसके सामने बात कर रहा है। अबे गुंडा किया तो 200 जूता लगाऊंगा साल ले चाहे कहू भूखी रहन उतर गईन माले कहत रहे हम वही का ना पिया आयो कुछ कहे तो नहीं रहा बेकूफ सारे चुल्लू भर में उल्लू बन जाते हो। मैं कहत रहे हम वही का ना पियाओ अब ना पियाओ नहीं का तो बहनी बिटिया ना निकरे लागे ज्यादा बोलेगो तो हमारा जूता उतर जाएगा तुम दोनों के ऊपर। हम ना पिया अब हम चखना से काम चला ले पियो पियो कैसी है पीएम जैसे लागे घोड़ी का मुंह। शट अप यू ब्लेडी बास्टेड।